Thank you.
कर्नाटक बैंक ये बनाया भी है ना और सब आप लोग लेके आए हो ये कंसलर का बंद लाई है ये उन्होंने भिजवाई है जब आप ही लोग आए हो हम ना कि हम तो केवल चाय पा रहे हैं कुछ चाय का मजा आ रहा है वो तो भी आई तो आपसे आपको चाय है आने के बाद फिर पुनः ताजी चाय बनवा दी है अरे भैया सब सुबह सुबह उठ के सब अपने अपने घर से आंटियां बना के लाइए खाना पड़ेगा हाँ हम भी बना के लाइए इधर है और बुलाओ क्या था ये हो गया दिखा दो ये वाला ना ये है ना बहुत अच्छा ग्यारह बजे
निकलना चाहिए कि भ्रम क्या है। नहीं मतलब नाराज नहीं है, हम लोग नाराज मतलब अगर ये प्रयास है तो कुछ ना कुछ हमारे बदले हम लोग नाराज नहीं है। ऐसा ना भाई, आप लोगों का साथ जो है वही हमारा संबल है, आप ये समझिए, इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। दो चीजों का समाधान हम लोग नहीं देख रहे, दो छोटी और बनाने के लिए बहुत। थैंक यू भाई, एक बार और। अरे खाली प्लेट नहीं भाई और लीजिए भैया और लो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे खाना नहीं मिला थैंक यू भैया, आपकी स्पीच बहुत बढ़िया रहती है, आप मुझे लिखकर भेजते रहा करिए तो मैं थोड़ा और बढ़ा के लिखा करूँ। मैं गीत भी लिखता हूँ, मैं गीत भी लिखता हूँ। अच्छा इसलिए कभी कभी मैं उस पर ना, हमारे लोग साहित्य को समझते नहीं है और जो समाज साहित्य को नहीं समझ सकता वो अध्यात्म को भी नहीं समझ सकता। नहीं और समझना नहीं चाहते, समझना नहीं मतलब झगड़े हुए शब्दों के भ्रम जाल में, तो हमारे लोग फंसे ब्राह्मणों के क्योंकि समझ नहीं पाए उसको। उन्होंने कभी कहा उन्होंने कि वो मोहमाया तो त्यागो पैसा यहाँ रखो, और वो हमारे समझते कि हमें कह रहे यार ताग त्यागो, लेकिन वो ले रहा है। सर ये क्या सर, ये तो आप रिंग मास्टर के आप बना दीजिए भैया 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 है एक बार और जोर से बोलेंगे सभी। वीडियो बन रही, आवाज नहीं आ रही इसमें, नहीं आई अभी भी। हाँ आपके थोड़ी सी आवाज है। जय भीम अच्छा सही है, सही है।
नहीं संघी है, अब तो समर संघी है ना, हाँ हम सब संघी है, हम सब संघी है, हम सब संघी है। अच्छा सबसे तेज दूर तक जय भीम कौन बोल सकता है, एक जना सारे रिश्तेदार हो, आस पड़ोसी हो, उन 11 लोगों का एक परिवार ऐसा बनाए जैसे वो अपने परिवार को सींचता है, जैसे वो रिश्ते अपने परिवार में रखता है, उसी तरह के रिश्ते उन परिवार में 11 लोगों के परिवार में डेवलप करें, उनसे बात करें, उनके सुख दुख में खड़ा हो, हर तरह से खड़ा हो। और उसका जो प्रदर्शन हुआ, उसकी ऑनलाइन जो मीटिंग मैंने की, उसके जो केवल और केवल उस परिवार के अंदर दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई, एक परिवार का संरक्षक, संरक्षक वो जिसके पास समस्या का समाधान भी हो। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता आते हैं, समस्या बता के चले जाते हैं, समाधान कोई बताता नहीं। तो उस परिवार का संरक्षक वो जिसके पास समस्या भी है और उसका समाधान भी है। एक उस परिवार का संचालक जिसके पास केवल इंफॉर्मेशन को आपस में आदान प्रदान करने की एक उत्तरदायित्व है, और उसको मैंने देखा कि उसके प्रयास के बल पे अब जितने वो 1+10 के फार्मूले में जितने परिवार बने हैं, उन परिवारों में उनकी तो संख्या है, लेकिन अगर ये कहा जाए परिवार सहित आइए तो उनकी संख्या लगभग 3 गुना हो जाती है। इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स होकर, निश्चिंत होकर, जो भी साथ यहाँ के हैं कभी भी मुझे 2 दिन के मार्जिन पर ये कहें कि आप मीटिंग कराइए, हम कुछ बात करना चाहते हैं, तो मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने साथी सब हैं, सारे के सारे आयोजक होते हैं, उसमें कोई नेता होते ही नहीं है, सब बराबर काम करते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो हमारे साथी बीच में है, AK सिंह जी हमारे पास चंदौसी से संबंध से हैं, BS आजाद जी हैं, रामोतार जी हैं, BSP में बहुत सारे संगठनों में काम कर चुके हैं, बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, और हमारे साथ में और लखपत सिंह जी इतना पूरा जीवन अपना लगा चुके हैं हमारे बीच में है, अब रिटायरमेंट हो गया उनका, तो उसके साथ में एक हमारे बीच में करण सिंह जी और पुरानावास से आए हैं, वो BSNL में SDO के पद पर रह चुके हैं, उससे सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अब ये मान लिया कम से कम मुरादाबाद में तो, कि मुझे अगर समाज में अपना उत्तरदायित्व निभाना है तो कम से कम 11 लोग जोड़ने, और 11 लोग ये तय करेंगे कि समाज में मेरा योगदान क्या होगा, वो बहुमत से तय करेंगे, एक साथ निर्णय लेंगे। कोई भी संगठन वाला उनके पास आएगा तो वो 11 का फैसला सुनाएंगे, या तो सहयोग करेंगे या मना कर देंगे, दो बातों में से करेंगे। तो ये चीज बहुत तेजी से वहां कोशिश की गई है, इसी स्तर पर यहां आकर केवल उस परिवार से क्यों प्यार है, वो शादी करता, बच्चे पैदा करता, परिवार हो गया, वो वहीं तक संकुचित क्यों रहता, उसके प्रति 100% जवाबदेही है, उसके प्रति इंसान अपने अंदर कितने सारे अनुभव ले आता है, कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कभी उसको कुछ ऐसे वैसे कृत्य करने पड़ते जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से, जो परिवार का उत्तरदायित्व है उसको निभाने के हिसाब से, वो कुछ बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है जीवन में जो उसको नहीं करने चाहिए। तो जब एक व्यक्ति एक मुखिया के रूप में अपने परिवार में इतना ज्यादा त्याग कर सकता है, इतना डेडिकेशन है और इतना ज्यादा उत्तरदायित्व उसके दिमाग में रहता है कि वो 24 घंटे एक ही चीज सोचता है, मेरे परिवार में समस्या ना हो, समस्या हो तो उसका समाधान हो, और समाधान हो तो बेहतर समाधान हो, मेरे बच्चे हैं वो खुश रहें, इकट्ठा रहें। ये सपना हमारे जो बाप थे, जिनको हम, मुझे लगता सभी लोग बाप मानते बाबा साहब को, उन्होंने अगर ये देखा होगा, सोचा होगा कि मेरे जो बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने जीवन में अपने दुख सहे, उन्होंने संविधान के किसी लाइन में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उसकी कोई प्रतिकार झलकता हो, किसी लाइन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसी लाइन निहित की हो संविधान में कि हाँ इससे उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जलील किया था, मुझे परेशान किया था, या मैं उससे परेशान व्यथित रहा हूं। तो उन्होंने हम सभी के लिए एक परिवार का सपना देखा होगा, उन्होंने कल्पना की होगी कि मैंने जो संविधान में व्यवस्था कर दी है, जो मैंने जितने पद, चाहे नौकरियों के पद हो, चाहे रिजर्वेशन के जो
पॉलिटिकल क्षेत्र में 100% रिजर्वेशन पूरा है, चाहे पद हो, उनके आधार पर अगर वो लोग समाज में जाएंगे रहेंगे तो वो अगर पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, वो परिवार को एक परिवार नहीं मानेंगे। मैं ये मानता हूं जितने भारत के टीचर्स हैं, जितने भारत के एम्प्लॉयज हैं, उनके खाते में हर महीने जो सैलरी आती है उनके बाप की कमाई नहीं आती है। मैं मानता हूं, मैं खुद को मानता हूं इस बात को, जब हम एक तारीख गिनते हैं जो पैसा आता है 1,00,000 रुपए, 1,25,000 रुपए या 50,000 रुपए, उसमें उनका अधिकार होता है जो मेरे परिवार के युवाओं में भी वही है। मैं 24 घंटे इस बात को मानता नहीं हूं, और ऐसे वो लोग जो ये मानते हैं उनकी मैंने लिस्ट अलग से बना रखी है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत काम के या जो विचारधारा काम के वही व्यक्ति बचे हैं कि जिन्होंने अभी समाज में आइसोलेट हो गए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, जो मैं जब मैं बुरादा की बात करता हूँ, तो मेरा अभी प्रश्न है, एक मिनट की बात और है, कि यहाँ जनपद बुलंदशहर में कितने सामाजिक संगठन काम करते हैं? किसी साथी के पास कोई ऑथेंटिक जवाब है, कोई संख्या हो, कोई बुलंदशहर के साथी मतलब 20-25 साहब, 20-25 है, अच्छा वाले। जी तो जनपद मुरादाबाद में 42 संगठन हैं, जिनके नाम, जिनके जो पदाधिकारी होते हैं ना, मेन अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महामंत्री, 3 से ज्यादा लिखूंगा तो मेरी कई डायरी भर जाएंगी, क्योंकि अभी पेज भरी पड़ी है, उनके नाम नंबर लिखे हुए हैं। जब सहारनपुर घटना हुई थी उसके बाद से उन्हें आवश्यकता हुई कि एक साथ बैठो, मीटिंग हुई, मैं भी उनका हिस्सा रहा, वहां से उन्होंने मिलना शुरू किया, और मिलने के बाद में उन्होंने कोऑर्डिनेशन का और संगठन बना दिया जिसका नाम रखा BSS, बहुजन समन्वय समिति। उस बहुजन समन्वय समिति ने सबने मिलकर के एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी कि सारे संगठनों को कोऑर्डिनेट आप करोगे। वो साथी, वो लड़का नौजवान था, वो जब भी कोई कार्यक्रम करता सबके घरों पर जाना, सबको फोन करना, अनमैरिड लड़का था, सबके पास जाकर के उन्हें बताना कैसा होने वाला है। वो ऐसे काम करता था जैसे कि उसके लड़के की शादी हो रही है और वो घर घर बताता घूम रहा है। जब मेरे पास आता था मैंने कहा तेरे लड़के की शादी तो हुई नहीं, तेरे लड़के की शादी नहीं है, ये सारे संगठन चला रहे हैं, अगर इनको सबको एक जगह बुला लोगे, कोई बात कन्वे करनी है महीने में एक बार, तो शायद तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी। तो बहरहाल वो काम करते रहे, काम करते करते उन संगठनों में जब कोशिश मैंने की ये देखने झांकने की, बताने की, बात करने की, क्योंकि मुझे कोई व्यक्ति तब जानेगा जब मैं किसी के बीच बैठूंगा। कोई भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तब उद्दंड हो जाता है जब उसके आसपास के जो सिपा सलार होते हैं वो मौन धारण करके आंखों पे पट्टी बांध के वो कह देते हैं साहब तुम मेरे आका हो, तुम्हारी जय हो। डॉक्टर उदित राज के परिश्रम में 2013 में मुझे जबरदस्ती जिलाध्यक्ष बना दिया अमरोहा का। जब उनको पार्टी ज्वाइन करनी थी तो बुलाया गया सभी जिलाध्यक्षों को कि आप आइए बात करनी है आपसे। मैं और मेरी टीम के 4 साथी गए, बंद कमरे में बात हुई तो कि भाई हम, मैं जो है ऐसे पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और इस तरह से राजनीति में जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक आधार पर किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है, आपसे सादर अनुरोध है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है परिसंघ का उसको त्याग करके आप चले जाइए, और उसमें कोई भी हमारा पदाधिकारी जो भी आपको लगता हो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दीजिए, ऐसा हमारा मानना है हमारी टीम का। हम अपनी बात कहते आ गए, 1 महीने में चमत्कारिक प्रदर्शन हुआ, उन्होंने अपने सगे भतीजे को लाइफ टाइम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। दूसरा चमत्कारिक प्रदर्शन हुआ कि उन्होंने अपने संविधान में बायलॉज में चेंज करके लाइफ टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया परिसंघ का। तो मैं केवल जिलाध्यक्ष था, वो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैं ये कहता हूं एक जनपद में जो हमारा अध्यक्ष अगर किसी भी संगठन का ऐसा निकल जाता है जैसा हम नहीं चाहते तो उसकी गलती नहीं मानता कभी। मैं ये मानता हूं मेरी गलती रही, उसके साथ में जो लोग रहे उनकी गलती रही, वो समय पे एनालिसिस करने में आंखें बंद करके बैठ गए, इसलिए वो परिणाम आज जो हमें दिख रहे हैं। 20 से 25 संगठन आप बता रहे हैं, अगर 20 से 25 संगठन का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अभी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जैसा अभी मुझे लग रहा है, तो कम से कम गलती हमारी है। वो तो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, उन्हें करना होता तो कर लेते। तो जब मुखिया नहीं मिलते हैं तो जो बच्चे होते हैं या परिवार का जो हेड होता है, अगर वो हेड कोई गलती करता है तो परिवार के बच्चों का उद्देश्य होता बैठ के बात करें,
लेकिन ये बात करने की परंपरा जो खत्म हुई है, उस परंपरा से जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम में एक तरफ कहते हैं हम जो वो कहते हैं एक कई सारी डंडियां एक साथ लेंगे बांधेंगे उन्हें शक्तियां रहेगी, एक तरफ कहते हैं बांटेंगे जितना बांटेंगे उतनी ज्यादा शक्तियां रहेगी, तो दोनों में से एक ही बात माननी पड़ेगी हमें, या तो यूनाइट में शक्ति है या बंटने में शक्ति है, और बंटने में शक्ति है तो फिर आप लोग सब लोग सहमत हैं तो फिर तो मीटिंग का वजूद खत्म हो जाता है। हम तो ये मानते हैं कि इकट्ठा होने में भी क्यों, क्योंकि अभी तक हमें संगठन ने इकट्ठा किया था, हम अपने आप नहीं हुए, अब हम अपने आप इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इसमें किसी को प्रश्न है कि हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए या इकट्ठा होने कोई भी नुकसान है आपको लगता है तो आप यहां पर बताएं, हमारे साथी जो यहीं के रहने वाले वही जवाब दें, क्योंकि मुरादाबाद में जोड़ने के फार्मूले पे 1.5 साल रिसर्च किए व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन में, मैंने दो ही काम किए हैं कि सुबह शाम योगा प्रणाम करना अपना बचाना जिंदगी से, और दूसरा ये किया मैंने लोग जुड़ते क्यों नहीं। अब उस जुड़ने के कगार पे मैंने कोशिश की कम से कम कितने लोग जुड़ सकते हैं बगैर पद के बगैर संगठन के बगैर किस स्वार्थ के, तो मेरी अपनी थ्योरी में निकल के आया कि कम से कम 10-11 लोग तो जुड़ सकते हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। सरेण गच्छामि धम्म।